गंधारा तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है और इसकी बाकियात सुबह सहद के मुख्तलिफ इलाकों अफगानिस्तान और टेक्सला में मौजूद हैं। इस तहजीब में मरकजी किरदार बुद्ध मत के बानी सिद्धार्थ के खूबसूरत अंदाज में तराशीदा बुतों, फन तामीर के मुनफरिद अंदाज में बनाए गए स्टूपा, इबादतगाह, ज़ुरूफ और जेवरात को हासिल है। गंधारा आर्ट किसी हद तक यूनानी और रूमी फनून से मुतासिर है। टेक्सला के खंडरात इस्लामाबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़े हैं। टेक्सला जाते हुए शेरशाह सूरी दौर की जीटी रोड अब भी देखी जा सकती है। टेक्सला में कदीम दौर के आसार और बाकियात दूर दूर तक फैले हुए हैं, जहां से खुदाई के बाद दरियाफ्त होने वाले आसार कदीमा को नुमाइश के लिए टेक्सला के अजायब घर में रखा गया है। अज़ीज़ तुलबा, इस वक्त हम टेक्सला म्यूज़ियम में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्सला जो है किसी ज़माने में गंधारा का दारुखिलाफा रहा है। पत्थर आहद से लेकर इस्लामी अदवार तक जितनी भी आसार की खुदाइयाँ हो चुकी है उनके नवादरात को इस म्यूज़ियम में महफूज किए गए हैं। आइए मैं आपको टेक्सला म्यूज़ियम की क्यूरेटर से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? टेक्सला म्यूज़ियम 1928 में सर जॉन मार्शल ने बनवाया था और पूरी दुनिया में अपने नवादिरात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ हमारे पास जो मेन कलेक्शन है, जो मेन नवादिरात हैं, वो गंधारा तहजीब से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इस्लामिक पीरियड के भी कुछ नवादिरात हैं और दूसरे पीरियड्स के जो मतलब है न्यूले तक के और दूसरे कस्म के, वो भी हमारे पास हैं इस म्यूज़ियम में हैं। वैसे तो टेक्सला म्यूज़ियम में 31,000 से ज़्यादा नवादिरात हमारे पास पड़े हैं। टेक्सला म्यूज़ियम में हमने जो सेलेक्टेड मटेरियल है, जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, उसको हमने डिस्प्ले किया है और इसकी तादाद तकरीबन 7,000 से ज़्यादा बनती है। तो टेक्सला म्यूज़ियम जो है ये स्पेशली बुद्ध मत के जो पैरोकार हैं पूरी दुनिया में, इसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और यहाँ हर साल हज़ारों जो ज़ायरीन हैं या जो विज़िटर्स हैं वो इसको देखने के लिए आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्सला वैली जो है वो पूरी दुनिया में अपने आसार कदीमा की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। सर जॉन मार्शल ने यहाँ 1913 से लेके 1934 तक खुदाइयाँ की हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है वो डिस्कवर किए हैं। सबसे पहले बीर माउंड है, सिरकप है और सिरसुख है। इसके अलावा बुद्ध साइट्स जो हमारे तकरीबन 20 से ज़्यादा हमारे पास बुद्ध साइट्स हैं, इसमें धर्माराजी का, जूलिया, पेपला बहुत ज़्यादा मशहूर ये साइट्स हैं। वहाँ से लातादाद नवादिरात जो हैं वो सर जॉन मार्शल को मिले थे, तो फिर उसने ये म्यूज़ियम बनाया। ये म्यूज़ियम जो है वो 3 गैलरियों पर मुश्तमिल है। इसकी जो मेन हॉल है और इसके साइड में 2 गैलरियाँ हैं। ज़्यादातर नवादिरात जो हैं वो गंधारा तहजीब से मुतालिक हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे नवादिरात उसमें भी पड़े हैं। ये म्यूज़ियम ख़ासकर गंधारा तहजीब की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। हर साल हज़ारों स्कॉलर्स, विज़िटर्स, जर्नल विज़िटर्स और ज़ायरीन जो बुद्धिस्ट हैं, मॉन्क्स जो हैं, वो यहाँ आते हैं और इसकी ज़ियारत भी करते हैं और सैर भी करते हैं। यूं तो टेक्सला में आसार कदीमा के 2 दर्जन से जायद मकामात अब तक खुदाई के बाद दरियाफ्त किए जा चुके हैं, लेकिन चंद मकामात अपनी अहमियत और आसार के हवाले से बहुत मशहूर हैं। टेक्सला के दूसरे बड़े कदीम शहर सिरकप के सदर दरवाजे पर खड़े हैं। सिरकप शहर की बुनियाद दूसरी कबल मसीह में बाख्तर यूनानी हुक्मरान मनिंद्र ने रखी थी। आसार कदीमा के माहिरीन ने खुदाइयों के बाद सिरकप से अब तक 3 अदवार के आसार दरियाफ्त किए हैं। पहला दौर बाख्तर यूनानियों का है, दूसरा सीती कौम और तीसरा पार्थी कौम का दौर था। तीनों अदवार में ये शहर
ان اقوام کے حکمرانوں نے دارالحکومت یا کیپیٹل کے طور پر استعمال کیا۔ یہ شہر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا، جس کے درمیان میں ایک بڑی شاہراہ تھی۔ مین شاہراہ کے دونوں اطراف دکانیں بنی ہوئی تھیں، یہ ان کا تجارتی مرکز تھا۔ یہ مرکز بہت اہمیت کا حامل تھا، لوگ آپس میں تجارتی لین دین کرتے تھے۔ یہاں پر زرتشت، بودھزم اور جینزم اقوام کے لوگ آباد تھے۔ ان کی بنی ہوئی عبادت گاہیں بھی دریافت ہو چکی ہیں۔ ہندو مت کی مقدس کتاب مہابھارت میں سرکب شہر کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ اس شہر کی لمبائی 5 کلومیٹر شمال جنوب، جبکہ چوڑائی تقریباً 1.5 کلومیٹر مشرق سے مغرب تک ہے۔ ہمیں یہاں بدھ مت دور کے سٹوپے، زرتشت دور کے ٹیمپلز اور بڑے بڑے ہوادار گھر ملتے ہیں۔ ٹیکسلا کا یہ علاقہ اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ قدیم دور میں یہ تجارتی سنگم پر واقع تھا۔ باختریوں نے اس شہر کی بنیاد رکھی، ساکا خاندان نے اس شہر میں مزید تعمیرات کیں اور پارتھی اقوام نے ان تعمیرات کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ یہ شہر 7 مرتبہ تباہ ہوا اور 7 مرتبہ دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی۔ آخری مرتبہ اس شہر کو کشان خاندان کے بادشاہ کجولا کٹ وائسز نے بنوایا۔ آئیے اس شہر کی سیر کرتے ہیں۔ گندھارا تہذیب میں آپ کو ہر جگہ سٹوپا نظر آئیں گے۔ سٹوپا کیا ہے؟ سٹوپا بدھ مت دور کی ایک قبر ہے۔ بدھ مت کے ماننے والے اپنے آقاؤں اور مذہبی پیشواؤں کی مقدس راکھ کو زمین میں دفن کر کے اس کے گرد گول یا چوکور قبر تعمیر کر دیتے تھے۔ یہ سٹوپا کئی حوالوں سے بہت اہم ہے۔ بدھسٹ لوگ سٹوپا کی ورشپ کرتے تھے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ راجہ کنشک کے دور کا، جو کشان بادشاہ تھا، اس کے دور کا یہ سٹوپا ہے۔ یہ سٹوپا ایک گھر کے ایک صحن میں بنایا گیا ہے، اور شاید یہ ایک خصوصی قسم کا۔ پورے جنوبی ایشیا میں آپ کو اس طرح کا کوئی گول سٹوپا نہیں ملے گا۔ اسی طرح کے گول سٹوپے ہمیں پہلی صدی میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد 3ری صدی عیسوی میں چوکور سٹوپے بننے شروع ہو گئے تھے۔ اس سٹوپا کے اوپر سونے کی ایک مورتی بھی لگی ہوئی تھی، جو آج کل برٹش میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ سٹوپا مقامی دستیاب پتھر کنجورا سٹون سے بنا ہے، جس پر باقاعدہ طور پر پلستر کیا گیا تھا اور خوبصورت پینٹنگز بھی بنائی گئی تھیں۔ یہ سن ٹیمپل کہلاتا ہے، اور اس کی بنیاد 1ری صدی عیسوی میں رکھی گئی تھی۔ سیتی قوم سورج کی پجاری تھی، اور اس ٹیمپل میں آپ کو 8 تکونی اشکال نظر آ رہی ہیں۔ صبح کی مقدس کرنیں اس پر پڑتی تھیں، اور وہ لوگ یہاں اپنی پوجا پاٹھ کرتے تھے۔ جب سیتی قوم کو یہاں سے نکالا گیا، تو بعد میں آنے والی اقوام نے اس ٹیمپل کو گھڑی کے طور پر استعمال کیا۔ اس ٹیمپل کے درمیان میں ایک بہت بڑا پلر کھڑا کر کے اس کا سایہ جو تھا، وہ مختلف تکونی شکلیں جو بنی ہوئی تھی اس پہ پڑتے تھے۔ ایک تکون جو ہے وہ 3 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ یہ 8 تکون بنے ہوئے ہیں، تو اس میں 24 گھنٹے کی پوری حساب انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ اسی شہر سے ماہرین آثار قدیمہ کو اس دور کے زیورات بھی ملے ہیں، جو اب بھی میوزیم میں موجود ہیں، جنہیں اس شہر میں موجود سونے کی مارکیٹ میں تیار کیا جاتا تھا۔ یہاں سونا پگھلایا جاتا تھا، اور پگھلانے کے بعد یہاں مختلف قسم کی زیورات بنائی جاتی تھی، اور پھر اس کے لیے یہ مولڈنگز بنے ہوئے تھے۔ سونے پگھلانے کے بعد اس مولڈنگز میں ڈالے جاتے تھے، اور مختلف قسم کی زیورات بننے کے بعد اس کو یہاں یہ جو پتھر ہے اس پہ رگیڑا جاتا تھا، جس پہ یہ سارے نشانات آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ کھدائی کے دوران سونے کے زیورات، سکے اور دیگر نوادرات بھی دریافت ہوئے ہیں۔
खुदाई के दौरान ये जो स्टूपा आप को नज़र आ रहा है, ये जैनमत से इसका ताल्लुक था। जैनमत का जो फाउंडर था उसका नाम महावीर था, उन्होंने यहाँ आके ये स्टूपा बनाया था। और ये जो स्टूपा था इसके ऊपर बाकायदा शेड बना हुआ था, ये यहाँ के लोकल कंजूर लैम्पस्टोन से बनाया गया है। अजीज़ तलबा, जैनमत के मानने वाले और बुद्धिज़्म के मानने वालों में दो तीन फ़र्क है। जैनमत के मानने वाले जो है वो तो एक तो वो गोश्त नहीं खाते, वो वेजिटेरियन होते हैं, वो नंगे पाँव चलते हैं और वो भी अपने मुर्दों की राख को स्टूपा में दफनाते हैं। जबकि बुद्धिज़्म के मानने वाले जो हैं वो गोश्त भी खाते हैं, वो भी अपने मजहबी पेशवाओं के राख को स्टूपों में दफनाते हैं, और वो हमेशा जो है वो सर के बाल जो है मुंडवाते हैं। ये उनमें मेन फ़र्क होता है, बाकी उसकी मजहबी आर्किटेक्चर में कोई बहुत ज़्यादा नुमाया फ़र्क नहीं होता। गंधारा तहजीब व सकाफत में हमें जैन मत के ज़्यादा स्टूपे नहीं मिलते। पहली सदी ईस्वी में आने वाले शदीद जलजले की वजह से इस शहर को तबाही का मुंह देखना पड़ा। दूसरी सदी ईस्वी के कुशान दौर में ये स्टूपा बनाया गया। इसकी इनफरादियत ये है कि कुशान हुक्मरानों ने इस स्टूपे में तीनों अदवार की निशानियाँ छोड़ी हैं। पहले हिस्से में यूनानी तर्ज तामीर की यादगार नजर आ रही है, जिसमें यूनानी तर्ज का पिलर है। इसके बाद दो सरों वाले उकाब की यादगार अशोक की निशानी है और अशोक दौर की है। इसके साथ पर्शियन या ईरानी दौर की तर्ज तामीर की अक्कासी करता है। माहिरीन आसार कदीमा ने खुदाई के दौरान बुद्धा की तीन मूर्तियां दरियाफ्त की, जिनमें बुद्धा की मेडिटेशन पोज, टीचिंग पोज और प्रीचिंग पोज की मूर्तियाँ शामिल हैं। इसके चौकोर स्टूपे हमें दूसरी सदी ईस्वी की याद दिलाते हैं। इसके बिल्कुल सामने चार इबादतगाहें हैं जिनको चैपल कहते हैं। इस स्टूपे के गिर्द मंक्स तवाफ करते थे, जिसके बाद वो अपनी पूजा पाठ किया करते थे। इस पर बाकायदा तौर पर एक छत थी जो कई बार की आफात और जलजले से तबाह हो गई। बाद में आने वाली अकवाम, खुसूसन पारथी कौम ने इसे जलजला प्रूफ बनाने के लिए तर्ज तामीर में छोटे छोटे पत्थर इस्तेमाल किए। सिरकप शहर की बुनियाद यूनानियों ने रखी, इसी वजह से इस तमाम शहर का तर्ज तामीर भी यूनानी है। खुदाई के दौरान माहिरीन आसार कदीमा ने इस शहर की तारीख मुरतब करने के लिए इस जगह तकरीबन 50 फुट गहरी खुदाई की। सर मॉन्टीमार व्हीलर ने खुदाई करके यूनानियों की इब्तदाई दौर तक की बुनियादें भी दरियाफ्त की हैं। इसकी एक वाजे मिसाल ये नकासी ए आप का नाला है, जो अब भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इस दीवार की बुनियाद जो है ये भी बाख्तर यूनानियों ने मनिंदर के दौर में रखी थी। इसके ऊपर का जो दूसरा ये जो रफ सा हिस्सा अशोक ने रखी थी, और इसके ऊपर जो है वो पारथी दौर का है, जो आखिरी दौर का है ये फसील है। और इसको ये इस फसील की जो मोटाई है वो 15 फीट ये चौड़ा है। इस शहर की तारीख को यहाँ से कंप्लीट तारीख मुरतब की गई है। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने यहाँ इसी एरिया पर 50 फुट नीचे खुदाई करके वो यूनानियों का वो जो इब्तदाई दौर की बुनियादें हैं वो भी दरियाफ्त की हैं। इस ट्रेंच और इस फसील में तारीख का एक मुकम्मल तसलसल मौजूद है। इसमें पहला दौर यूनानियों का, दरमियानी दौर सीती और आखिरी दौर पारथी है। यूनानियों ने इसकी बुनियाद रखी और पारथियों ने इस शहर को पाया तकमील तक पहुंचाया। सिरकप शहर फसील के अंदर मौजूद था, जिसका मरकजी दाखली दरवाजा था। फसील का कुछ हिस्सा दरियाफ्त हो चुका है, जबकि बाकी अभी तक पोशीदा है। अजीज़ तलबा, इस वक्त हम जूलिया स्टूपा के जगह पे मौजूद हैं।
और जूलिया स्टूपा की जो खुदाई हुई थी वो 1914 से 1917 तक हुई थी। इस जगह की इनफरादियत ये है कि यहाँ पर बुद्धा की मुजस्मे मुराकबे की हालत में और टीचिंग पोज में और दूसरे पोज में अभी भी मौजूद हैं। तो आइए हम आपको अंदर जो है इसकी तफसील बताते हैं। इस वक्त हम जूलिया के मेन स्टूपा कोर्ट में हैं, जिसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जेरी है जबकि दूसरा हिस्सा बालाई स्टूपा कोर्ट कहलाता है। जेरी हिस्से में खुदाई के बाद 5 स्टूपे मिले हैं। ये जो छोटे स्टूपे हैं इनको मन्नती स्टूपे कहते हैं। इस पर गंधारा तहजीब के बनाए गए मुजस्मे अभी तक महफूज हैं। लोअर स्टूपा कोर्ट में हमें यहाँ पर 5 स्टूपे खुदाई में मिले हैं। ये जो छोटे स्टूपे हैं इसको मन्नती स्टूपे कहलाते हैं। यहाँ पर ये आपको प्रीचिंग बुद्धा का जो है ये पूरा एक अर्च में के अंदर बैठे हुए हैं और ये प्रीच कर रहा है, अपने शागिर्दों को बख्शों को वो लेक्चर दे रहे हैं। जबकि ये दूसरे उसमें अगर आप देखते हैं तो ये मुराकबे की हालत में बुद्धा बैठा हुआ है। यूं इस पूरे स्टूपा कॉम्प्लेक्स में बुद्धा के मुख्तलिफ अंदाज के मुजस्मों को बनाया गया है। ये मेन स्टूपा कहलाता है जिसके इर्द गिर्द 21 मन्नती स्टूपे मिलते हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं। इन मुजस्मों में से एक मुजस्मा अब भी अपनी असल हालत में है। बुद्धा का मुराकबे वाला मुजस्मा है और इसकी खासियत यह है कि इसके नाप में सुराख है। बुद्ध मत अकायद के मुताबिक इसके बुद्धा के इस मुजस्मे के नाप में जो सुराख है इसमें उंगली डालकर जो दुखी लोग होते थे अपना मदावा करवाते थे। मरकजी स्टूपे की बुनियाद केदार कोशान दौर में रखी गई जिस पर बुद्धा के बड़े बड़े मुजस्मे लगे हुए थे। इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे मन्नती स्टूपे थे। मरकजी स्टूपे की तारीख 2री सदी ईस्वी की है जबकि इर्द गिर्द मौजूद मन्नती स्टूपे 3री और 4थी सदी कबल मसीह के हैं। इन तमाम स्टूपों से गंधारा तहजीब व सकाफत नुमाया होती है। ये जो छोटे मन्नती स्टूपे हैं इस पे आपको गंधारा आर्ट के बहुत सारे डिटेल आपको बहुत मिलेगा। जिस तरह से ये बुद्धा की मेडिटेशन पोज, ये भी बुद्धा की एक मेडिटेशन पोज, तीसरा जो है वो बुद्धा का प्रीचिंग पोज है और इस स्टूपे को जो सपोर्ट दिया है ये लॉयंस की शक्ल में एनिमल्स बनाए गए जो इस स्टूपे को सपोर्ट करते हैं। गंधारा तहजीब में इस वक्त की जबान खुरोशती थी और जो बुद्ध जायरीन यहाँ मन्नती स्टूपे बनाते थे उन्होंने खुरोशती जबान में नाम भी तहरीर किया हुआ है। उस वक्त चूंकि जुबान जो थी संस्कृत जुबान थी और खुरोशती जुबान में लिखाई जो थी वो स्क्रिप्ट जो था वो खुरोशती जुबान का था, तो इस मुजस्मे पर खुरोशती जुबान में लिखा हुआ है कि बुद्ध सांगा मित्रा बख्शु, उसका नाम भी लिखा हुआ है। ये इसकी एक खासियत है और अभी तक हमारे पास ये सबूत मौजूद है कि उस वक्त की जो जुबान थी वो खुरोशती जुबान थी। ये इस पूरे गंधारा इलाके में खुरोशती बोली जाती थी। यहाँ पर ये बुद्धा का मुजस्मा है और ये मुराकबे की हालत में है। बुद्धा का पूरा जिस्म जो है 3 चादरों में वो उन्होंने लिपटे हुए हैं और उसके ये मुराकबे की हालत में इनके दोनों अतराफ में 4 बुद्धा जो है और भिक्षु जो हैं वो खड़े हैं और वो बुद्धा से बुद्धमत के बारे में सीख रहे हैं। ये जो मुजस्मा है ये ओरिजिनल मुजस्मा नहीं है, ये रेप्लिका है। लेकिन ओरिजिनल मुजस्मा जो है यहाँ से वो आसार कदीमा के माहिरीन ने उठा के वो म्यूजियम ले गए हैं और ये रेप्लिका आवाम हिस्टोरियन और स्टूडेंट की तालीम के लिए इसको दोबारा बनाया गया है। अजीज तलबा, ये जूलिया की बुद्ध मत खानकाह है जहाँ बुद्ध मंक्स रहा करते थे। यहाँ पर उनकी रिहाइश का बाकायदा इंतजाम था। यहाँ पर वो बुद्ध मत की तालीमात हासिल किया करते थे। खानकाह के वस्त में पानी का हौज था, इसके साथ ही गुसल खाने बने हुए थे। इसके इर्द गिर्द कमरे बने हुए हैं। इमारत 2 मंजिला थी।
और ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियां अब भी देखी जा सकती हैं, जहां बुद्ध भिक्षु इबादत किया करते थे। 5वीं सदी ईस्वी में जब हुन कौम यहां वारिद हुई और गंधारा तहजीब को तबाह कर डाला, तबाही के आसार अब तक मौजूद हैं और जले हुए बुद्धा के मुजस्मों की तोड़फोड़ अब भी देखी जा सकती है। धर्माराजिका टेक्सला में बुद्ध मत की सबसे बड़ी और पुरानी खानकाह है। अजीज तुलबा, इस वक्त हम धर्माराजिका स्टूपा के साइड पे खड़े हैं। ये स्टूपा टेक्सला म्यूजियम से 2 किलोमीटर के फासले पर मशरक की तरफ वाक़ है। ये स्टूपा जो है, धर्माराजिका स्टूपा की अहमियत इस हवाले से है कि ये किंग अशोक ने तामीर करवाया था। मकामी जबान में धर्माराजिका को चीरतोप कहते हैं। मरकजी गोल स्टूपा का कुत्र 131 फुट और ऊंचाई 45 फुट है। इसके इर्द गिर्द 2 तवाफी रास्ते बने हुए हैं। एक तवाफी रास्ता ये है, दूसरा तवाफी रास्ता ये नीचे वाला सीढ़ियों के साथ। दोनों तवाफी रास्ते जो थे बाकायदा पत्थर के स्लैबों से पक्के किए गए थे। स्टूपे के इर्द गिर्द मॉन्क्स के लिए इबादत खाने बने हुए थे। ये इन इबादत खानों की तादाद 52 है। स्टूपे के खुदाई के दौरान कसीर तादाद में बुद्धा के पत्थर के बने हुए मुजस्मे दरियाफ्त हो चुके हैं। इसके अलावा स्टूपे के जो कुतर है वो 131 फीट है, जबकि इसकी लंबाई वो 45 फीट थी। स्टूपे के इर्द गिर्द बहुत बड़ा सहन है। सहन में मन्नती स्टूपे भी बने हुए हैं और इसके चारों अतराफ में गेट्स बने हुए हैं। जिस गेट्स पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये जुनूब की तरफ स्टूपे का गेट है और इसमें ये सीढ़ियों के दोनों तरफ बुद्धा के मुजस्मे लगे हुए होते थे। और खुदाई के दौरान यहाँ से निकाले गए सारे जो मुजस्मे हैं आजकल म्यूजियम में मौजूद हैं। इसके अलावा हर गेट के ऊपर 2 पिलर थे, जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये कंजूर स्टोन कहलाता है। इसके ऊपर एक पिलर होता था और पिलर के ऊपर छत बनी हुई थी। एक पूरा बहुत बड़ा बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स था। आइए इसकी मजीद डिटेल देखते हैं। इस स्टूपे को जलजले ने शदीद नुकसान पहुंचाया और कुशान दौरे हुकूमत में 2 दफा इसकी तामीर और मरम्मत की गई। पत्थरों को तराश कर महात्मा बुद्ध और उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार के मनाजिर स्टूपा के इर्द गिर्द नस्ब किए गए थे। इसी वजह से बरे सगीर के दूर दराज इलाकों से बुद्ध जायरीन यहाँ आकर इबादत करते थे और इन तवाफी रास्तों पर ताकादाद 3, 5, 7 या 9 की तादाद में तवाफ करते थे। अजीज तलबा, गंधारा की इस शानदार तहजीब को सफ़ेद हुन कौम ने तबाह किया है। वाइट हुन्स का ताल्लुक वस्ती एशिया से था। 5वीं सदी के आखिर में केदार कुशान अपनी अजीम सल्तनत सफ़ेद हुन कौम के हाथों गंवा बैठे। वाइट हुन्स का हुक्मरान मेहर गुल था, जिसने टेक्सला और इसके गिर्दोनवाह में 1200 के करीब स्टूपे तबाहो बर्बाद कर दिए और हर तरफ आग और तबाही फैला दी। गंधारा तहजीब में बड़ का दरख्त इंतहाई मुकद्दस अहमियत का हामिल है। ये वो दरख्त है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ज्ञान किया करते थे और इन्हें रोशनी मिली थी। बड़ का दरख्त बुद्ध मत में एक अपनी अहमियत है। इस दरख्त के नीचे महात्मा बुद्ध ने बैठकर ज्ञान किया था और उसको रोशनी मिली थी। तो जहाँ भी आपको बड़ का कोई पुराना दरख्त मिले और देखें आप, तो उसके करीब में या उसके कुर्ब जवार में ज़रूर कोई आसार कदीमा का के आसार ज़रूर होंगे। अज़ीज़ तुलबा, पाकिस्तान का ये खित्ते सरज़मीन कई तहजीबों का गहवारा रह चुके हैं। यहाँ पर पत्थर दौर के आसार से लेकर तारीखी दौर तक के आसार पाए जाते हैं। इन आसार से
ہم ان اقوام کے رہن سہن، بود و باش، ان کی ترقی اور عروج و زوال کے اسباب بتاتے ہیں۔ اس پر ہم سب نے سوچنا ہے کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔